हमें दुख और कष्ट इस बात का है कि हमारे नौटंकी में जो काम करते थे खलनायकी का, उनका नाम है राम सजीवन कश्यप, उनका घर काजीपट्टी के पास सैनीपुर है, वहाँ गए थे राम सजीवन कश्यप। अभी तक हमारे प्रेम भाई का साथ उन्होंने भरपूर दिया, अच्छी मेहनत किया, उनकी नौटंकी में अच्छी मेहनत किया, प्रेम प्रजापत की उन्होंने आज तक हम लोगों का साथ दिया। आज हम देख रहे हैं कि सुबह सुबह का समय है, सुबह आपने खेत की तरफ आया कुल्ला उल्ला करने के लिए और खेत भी देखने के लिए आया। आज कई दिन के बाद प्रोग्राम से छुट्टी मिला तो हम कहा अपने खेत पर हो जाए, तभी उनका फोन आ गया प्रेम प्रजापत का और उनके साथ जगन्नाथ भाई हैं जो उस कंपनी में हीरो का काम करते हैं, तो ये और उस पार्टी के पार्टनर जियालाल गौतम के पूर्वक रहने वाले हैं, ये लोग सब मिल करके इन लोग को खाना तक नहीं खा जा रहा है कि उनका खलनायक उन्हें जवाब दे दिया कि हर कोई ऐसी बात नहीं हुई ना कोई उन्हें तकलीफ हुआ। उन्होंने खुशी खुशी और हम लोगों को भी खुशी है कि हमारे खलनायक साहब कहीं भी रहें और कहीं भी रहेंगे तब भी हमारा हम लोगों का साथ देते रहेंगे, उन्होंने ये भी वादा किया है। और वादा करे या ना करे ऐसा स्वभाव ही है हमारे कश्यप भाई का कि वो किसी भी पार्टी में रहेंगे हम लोगों का भरपूर मेहनत साथ देंगे और हम लोगों के साथ भरपूर मेहनत करेंगे। लेकिन उन्होंने उनके जाने से हम लोगों का दुख है, लेकिन कोई बात नहीं है, जाएं, हमें महान खुशी है कि हमारे खन्ना सिंह चौहान की नौटंकी में उन्होंने अपना पांव रख दिया, उनके यहाँ काम करेंगे, हमें महान खुशी है, जाए। लेकिन अब आज कितनी तारीख है? आज ऐसे 6 तारीख 6 तारीख 6 सितंबर 6 सितंबर है आज। 6 सितंबर से हम लोग एक खलनायक अपने पार्टी में ले आया जिसका नाम है शिव प्रसाद, वो अरगुओं के रहने वाले हैं, बहुत पहले खलनायकी करते थे लेकिन अब उन्होंने सूरत में कुछ मुंबई गए, हाँ सूरत चले गए थे अपने बीवी बच्चों के साथ, सूरत में रहते थे लेकिन सूरत से वापस आ गए हैं। अब प्रेम प्रजापत का साथ देने उनकी नौटंकी में खलनायकी के पद पर रहेंगे और उनके यहाँ काम करेंगे। और जिन भाई को प्रेम प्रजापत की नौटंकी का कार्यक्रम देखना है अब नए खलनायक के साथ देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।